जब मौसम बदलता है गर्मी से सर्दियां आती हैं या सर्दी से गर्मियां आती हैं? तो वो समय वायरस बैक्टीरिया के पनपने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। ऐसे में करीब 200 से अधिक वायरस जिनकी वजह से बेबीज को सर्दी, जुकाम, निमोनिया, खांसी वगैरह होने की संभावना होती है। पता नहीं सोनाली काशी को क्या हुआ है, इसका पता नहीं ना, थोड़ा सा गर्म सा लग रहा है और नीचे लेटा तो रो रही है, खाली गोदी में सो रही है, समझ नहीं आ रहा काशी को क्या हुआ है। इनके बच्चे के लक्षण देख के लग रहा है कहीं इनको सर्दी जुकाम तो नहीं हुआ है। हेलो, हाँ सब ठीक है ना? यार सुनना, मेरा जो बच्चा है उसके पहले तो नाक से पानी जैसा आ रहा था, लेकिन अब नाक से कुछ गाढ़ा गाढ़ा और हल्के पीले हरे रंग का आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुकाम और ज्यादा बढ़ रहा है? इसका मतलब आपके बच्चे का सर्दी जुकाम नहीं बढ़ रहा। यदि आपके बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है या फिर उसको ठंड लग रही है या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर वो तेज तेज से सांस ले रहा है, तो तुरंत अपने आसपास के किसी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन से जाकर संपर्क करें। मैं सोच रही हूँ अपने बच्चे को जुकाम के लिए अपनी दवाएं दे देती हूँ, इससे बच्चे का सर्दी जुकाम थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। जो गलती ये मोहतरमा कर रही थी वो गलती आप मत करना। इन दवाओं के इफेक्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज होती है, इसीलिए अननेसेसरी दवाओं को बच्चों के सर्दी जुकाम के लिए यूज ना करें। यदि आपके बच्चे को नेजल ब्लॉकेज की वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तो आप नेजल सलाइन की ड्रॉप्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसकी एक एक ड्रॉप को दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल दीजिए, इससे बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी। सेकेंड चीज, यदि आपके बच्चे को बुखार आ रहा है तो आप पैरासीटामोल की 0.5 ml ड्रॉप्स को कंसीडर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और यूज कर सकते हैं दादी नानी के घरेलू नुस्खे। दादी नानी के घरेलू नुस्खे मतलब घर का शुद्ध सरसों का तेल, लहसुन, जवाई, रतन जोत, ये सब एक में और बच्चे को लगाइए। बच्चे का पेट साफ हो जाएगा, दांत जामने में मदद करेगा। साल भर के बाद यदि आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो आप अदरक की चाय को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि यदि आपका बच्चा भी सर्दी जुकाम से सफर कर रहा है तो आप किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।